ये मौजूद है बरेली के समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर, और यहाँ पर राज नारायण जी की जयंती के उपलक्ष्य में बहुत सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नौजवान कार्यकर्ता खड़े हुए भी हैं। तस्वीर भी उनकी देख रहे होंगे। अभी कुछ देर पहले कदीर अहमद साहब बोले हैं, समाजवादी पार्टी आजमनगर के पूर्व पार्षद और वर्तमान में महलका कुरैशी पार्षद के पति आरिफ कुरैशी भी बोले हैं। कुछ नौजवानों से भी हमने बात की है इस सिलसिले में। आइए सुनवाते हैं कदीर अहमद साहब को, आरिफ भाई को और कुछ अन्य लोगों को, क्या बोले हैं राजनारायण जी के चरित्र के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में, और क्या इन नेताओं ने आप सबको पैगाम दिया है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बरेली के समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर, और यहाँ पर मौजूद है कदीर भाई, आरिफ भाई और बहुत सारे सीनियर सपा के नेता। मेरे कैमरे की नज़र में आप देख भी रहे होंगे। कदीर भाई, आज क्या आयोजन रखा है समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर? आज महान स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी चिंतक विचारक स्वर्गीय राजनारायण जी की जन्मतिथि है। राजनारायण जी उन इतिहास पुरुषों में से एक हैं जिन्होंने हमेशा स्वतंत्रता के लिए, संविधान के लिए संघर्ष किया। तानाशाही, राजशाही के विरुद्ध हमेशा रहे। उनका सबसे बड़ा योगदान भारतीय राजनीति में ये है कि जब इंदिरा गांधी जी अपनी चरम पर थीं, उस समय कोई उनसे लोहा लेने को कतराता था, ऐसे मौके पर राजनारायण जी ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा और वो जीत रहे थे। ज़बरदस्ती हरवा दिया गया, उन्होंने पेटीशन किया और पेटीशन में वो जीते और इससे एक नया इतिहास बना। हम उनके पगचिन्हों पर चलकर ही आज जो सरकार है, जो तानाशाही की तरफ जा रही है, लोकतंत्र का की मतलब हत्या कर रही है, उसके खिलाफ राजनारायण जी जैसे ही आज योद्धाओं की ज़रूरत है, उन्हीं के पगचिन्हों पर चलकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी और इस तानाशाही हुकूमत के खिलाफ। आजमनगर क्या करना चाहेंगे मुख्तसर में? राजनारायण जी ने बड़े आंदोलन किए हैं और समाजवादी उसी राह पे चल रही है जिस तरीके से हमारे महानाध्यक्ष कदीर साहब ने बतलाया है, और मुल्क के हालात अब जो है चंद लोग खराब कर रहे हैं। जो सीए होता है उसका हम विरोध करते हैं, उसे वापस लेना चाहिए। वैसे क्या नाम आपका? सुरेश गंगवार। क्या कहना चाहेंगे एक लाइन में? आज हमारे जो महापुरुष हैं उनके हम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर यहाँ जयंती मना रहे हैं उनकी। बस हमारे वैसे क्या नाम आपका? मोहित। क्या कहना चाहेंगे मोहित जी? समाजवादी पार्टी के सारे लोग राजनारायण जी के पचंडों में चल के आगे देश को मजबूत करने का काम करेंगे। अग्रवाल, देखिए पार्षद दल नेता सपा, नए साल पर क्या कहना चाहेंगे मेंबर साहब? सबसे पहले मैं अपने बरेली के शहरवासियों को नव वर्ष 2020 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे शहर के सभी युवाओं को रोज़गार मिले और शहर का नाम रोशन करें, और सबसे ज़्यादा मैं चाहता हूँ, क्योंकि हम राजनीति में हैं, कि शहर में जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, जो पुल अधूरे हैं, जो 300 बेड का अस्पताल उद्घाटन के लिए इंतज़ार देख रहा है, ये सब काम अगले 6 महीने में हो जाएं, 2020 के 31 दिसंबर तक, ऐसे ही ना हो कि ये फिर अगले वर्ष की उम्मीद में जाएं। मेरा आग्रह है सब प्रशासन के अधिकारियों से कि अब तो बरेली के लिए समय दो, और बरेली के जनप्रतिनिधियों से भी मेरा आग्रह है कि कुछ तो शहर के लिए साबित कर दो। डॉक्टर आईएस तोमर के निजी सचिव रहे मुनीश शर्मा जी के पास बैठे मुकेश खटवानी दवा व्यापारी के साथ, बात करेंगे। सर, नए साल में क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए? बरेली महानगर के समस्त नागरिकों को, महिलाओं को, बच्चों को 2020 मंगलमय हो, बरेली का सामाजिक सौहार्द बना रहे, और गंगा जमुना सरस्वती की जो तहजीब है यहाँ की उसकी मिसाल कायम रहे, और हमारा यही अनुरोध है कि सब लोग खुशी रहें, कोई खासकर सत्ताधारी दल के लोग
वो कोई ऐसा काम ना करे जिससे बरेली का माहौल खराब हो। साल आने वाले में ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण साल है 2020, क्योंकि ये आज जो हिंदुस्तान के ऊपर जो बादल छाए हुए हैं हिंदुस्तान की राजनीति पर, उसको लड़ने का संघर्ष का साल है। ये सरकार ये चाहती है कि तानाशाही लागू हो जाए, हर कदम उसका तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है और आम जनता इससे बहुत ही प्रताड़ित है। लिहाजा इस नए साल में संघर्ष किया जाए CAA के खिलाफ और NPR के खिलाफ, NRC के खिलाफ, और अगर हमने संघर्ष नहीं किया तो ये हमें गुलामी के नए साल पर। नए साल पर सबको बहुत बहुत बधाई और ये आशा करेंगे कि देश और प्रदेश की जो सरकारें हैं उन्हें सद्बुद्धि आए।